अंबानी के छोटे बेटे की संगीत सेरेमनी में नीता अंबानी हार्दिक पांड्या को भी इनवाइट किया था, उसके साथ रोहित शर्मा भी नजर आ रहे हैं। वहीं नीता अंबानी हार्दिक के T20 वर्ल्ड कप में कम बैक करने पर उन्हें गले लगाया और उनकी तारीफ भी की। बिग बॉस OTT3 की कंटेस्टेंट पायल मलिक को यूजर्स ने बुरा भला कहा है, क्योंकि उन्होंने विशाल पांडे के बारे में कुछ कहा था। विशाल के बारे में गलत सुनने के बाद उनके फैंस यह बर्दाश्त नहीं कर पाए और पायल मलिक को जमकर ट्रॉल किया, जिस पर पायल ने एक वीडियो रोते हुए शेयर किया है और कहा कि अगर उन्होंने अपने परिवार के बारे में बोला तो क्या गलत बोला। पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बता दें कि रस्सी खींचते समय एक व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल भी हैं। मृतक की पहचान बगरती के रूप में हुई है। उन्हें पुरी जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। देश भर में लगातार ऑनलाइन स्कैम के मामले में बढ़ रहे स्कैमर्स लोगों को टारगेट करने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि धोखेबाज लोगों को टारगेट करने के लिए इन दिनों फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम इन एप्स के जरिए चला रहे हैं। असम में बाढ़ की स्थिति आज भी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ के कारण करीब 28 जिलों के 23 लाख आबादी प्रभावित हुई है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से अधिकतर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर जा चुका है। उत्तराखंड में सैकड़ों पर पानी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश के बाद उत्तराखंड में कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हल्द्वानी से नैनीताल तक मॉनसून की बारिश तबाही मचा रही है। ज्यादातर इलाकों में नदियां उफान पर है तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश का प्रहार शुरू होने वाला है। बता दें कि मौसम विभाग ने कहा कि मध्य प्रदेश में बारिश के 2 नए सिस्टम फिर से एक्टिव हो गए हैं। इन सिस्टम की वजह से प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। शपथ ग्रहण करने के बाद मंत्री श्रीनिवास रावत को लेकर राजनीति चर्चा तेज हो गई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के विधायक को ही बीजेपी सरकार में मंत्री बना दिया गया है। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी डायरिया से हाहाकार देखने को मिल रहा है। बिलासपुर के जिले रतनपुर में डायरिया का प्रकोप फैल रहा है। खराब पानी की वजह से 50 से ज्यादा लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत हो रही है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक सरकारी स्कूल में शराब पीकर शिक्षक के आने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने टीचर की पोल खोलने के लिए वीडियो बनाया, उससे पूछताछ की। इस दौरान टीचर ने भी माना कि अब शराब पीकर आया है। नक्सलियों को लेकर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। बालाघाट में 8 जुलाई को नक्सलियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। जवानों ने इस मुठभेड़ में 14 लाख रुपए के इनामी नक्सली विकास को मार गिराया। उसके बाद जवानों ने इलाके में सर्चिंग और तेज कर दी है। यह मुठभेड़ कोठिया टोला के पास हुई। निवाड़ी जिले के सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल और बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा इस समय फिल्मी सितारों की पसंदीदा जगह बनती जा रही है। पिछले 4 दिनों से यहां पर फिल्मी कलाकार प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। बता दें कि फिल्मी कलाकार विद्या बालन भी ओरछा पहुंची, जो फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग में शामिल होगी। एक तरफ नर्सिंग को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चाएं जोरों पर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीधी जिले में शासकीय नर्सिंग कॉलेज इमारत का कंस्ट्रक्शन काम कछुआ चाल के चलते चर्चा का विषय बना हुआ है। छतरपुर में पुलिस आरक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया, जहां महिला थाना में प्रेमी के जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल पदस्थ पिता को ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस को युवती को गिरफ्तार किया है। एमपी के कटनी में स्कूल में पढ़ रहे बच्चों पर अचानक भरभरा कर छज्जा गिरने का मामला सामने आया है। हादसे में 4 बच्चों को चोटें आई हैं। वहीं घटना के बाद प्रचारी ने स्कूल की छुट्टी करते हुए बाकी बच्चों को सुरक्षित घर रवाना कर दिया है।